राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पुस्तक मिलकर सोचें पर आधारित किशोर बच्चों के नैतिक विकास हेतु ध्वनि कार्यक्रमों की श्रृंखला। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है कार्यक्रम एक संवाद। क्या तुमने गौर किया है कि सभी स्वतंत्रता चाहते हैं? बच्चे स्कूल में स्वतंत्रता चाहते हैं, माँ घर में स्वतंत्रता चाहती है, पिताजी दफ्तर में, शिक्षक और प्रधानाचार्य भी स्वतंत्रता चाहते हैं, पक्षी स्वतंत्र रहना चाहते हैं और पेड़ों को भी बढ़ने के लिए स्वतंत्रता चाहिए। पिंजरे में बंद पशु कभी खुश नहीं होता। राजनीतिज्ञ भी स्वतंत्रता चाहते हैं। वैज्ञानिक स्वतंत्रता की मांग करता है। पशु पक्षी मनुष्य सभी स्वतंत्रता चाहते हैं। अपना विकास करने के लिए उन्मुक्तता चाहते हैं। कोई भी बंधन में नहीं रहना चाहता। क्या तुमने इस पर ध्यान दिया है? क्या हम इस विषय पर और बातें कर सकते हैं? एक दिन शिक्षक ने कक्षा में इस प्रकार का वार्तालाप प्रारंभ किया। ये सुनकर विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि गणित, भौतिकी, इतिहास या भूगोल सीखने की अपेक्षा ये कहीं अधिक दिलचस्प विषय था। इस तरह कक्षा में सजीव चर्चा प्रारंभ हुई, जो कुछ इस प्रकार थी। शिक्षक ने कहा, जब तुम ये कहते हो कि तुम्हें स्वतंत्रता चाहिए, तब तुम्हारा क्या अर्थ होता है? मेरे विचार से इसका अर्थ ये है कि वो सब कुछ करना जो एक व्यक्ति करना चाहता है, न कि जो उसे करना पड़ता है। यदि सोचो कि तुम्हें देर तक सोना अच्छा लगता है, उसी समय उठना अच्छा लगता है जब तुम्हारा मन करे, अपने मन के अनुसार तुम नहाना चाहते हो या नहीं चाहते, तुम गंदे कपड़े पहनकर उस समय आराम से स्कूल आते हो जब प्रार्थना सभा समाप्त हो चुकी हो, तब क्या तुम स्वतंत्रता का अनुभव कर सकोगे? नहीं, ये ठीक नहीं, क्योंकि इस तरह मैं कई बातों से वंचित रह जाऊंगा। किंतु जब हमें कभी कभी देर हो जाती है, तब हमें उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। जब हमें सजा मिलती है, तब हम स्वतंत्रता का अनुभव नहीं करते। इसके बाद शिक्षक ने इस प्रश्न का एक दूसरा रूप लिया, क्योंकि वो चाहते थे कि कक्षा उस समस्या को एक अन्य दृष्टिकोण से भी देखे। शिक्षक ने कहा, ठीक है, चलो हम देखें कि एक शिक्षक के जीवन में स्वतंत्रता का क्या अर्थ होता है। क्या एक शिक्षक अपनी मनमानी कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उदाहरण के लिए, वो ये नहीं कह सकता कि वो उसी समय कापियां जांचेगा जब उसका मन करे। वो कक्षा में बिना तैयारी किए आकर पढ़ा भी नहीं सकता। वो प्रधानाचार्य द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। हाँ, पर प्रधानाचार्य पर क्या उत्तरदायित्व होता है? क्या वो मनमानी कर सकते हैं? नहीं, प्रधानाचार्य का अभिभावकों, जनता और समूचे समाज के प्रति उत्तरदायित्व होता है। साथ ही स्कूल के शिक्षकों तथा छात्रों के प्रति भी उसका दायित्व होता है। जब हम मिलकर कोई काम करते हैं, तब हमारी स्वतंत्रता का अर्थ समूह के प्रति जिम्मेदारी होता है। ये बात सरकार पर भी लागू होती है। विधायकों की उन लोगों के प्रति जिम्मेदारी है जिन्होंने उन्हें चुना है, तथा इसी प्रकार प्रधानमंत्री
और मंत्री परिषद का विधायकों के प्रति उत्तरदायित्व है और उनके माध्यम से लोगों के प्रति भी उनका उत्तरदायित्व होता है। क्या तानाशाही में कोई स्वतंत्रता होती है? नहीं, क्योंकि तानाशाही में केवल एक ही व्यक्ति निर्णायक होता है और अन्य सभी उससे डरते हैं। क्या तुमने नहीं सुना कि जहां भय होता है वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती? पर जनतंत्र में भी कभी-कभी हमें भय की अनुभूति होती है। क्या तुम कोई उदाहरण दे सकते हो? व्यापारी कानून से डरता है, गरीब आदमी अमीर आदमी से डरता है, और व्यवस्था हड़ताल से डरती है। परंतु जनतंत्र में लोग इसकी चर्चा कर सकते हैं, इस विषय पर लिख सकते हैं, क्यों, है ना? जबकि तानाशाही में ऐसा कोई नहीं कर सकता। हाँ, किंतु कभी-कभी अखबार गलत खबर छाप देते हैं और इसीलिए लोगों को बहुत सतर्क होना चाहिए। बेशक, वास्तव में जनतंत्र में लोगों की स्वतंत्रता के लिए प्रेस ही एक मार्ग है। किंतु इसके बाद भी लोग डरे रहते हैं। ऐसा करना बुद्धिमानी नहीं है। क्या तुम्हें पहले यह नहीं जान लेना चाहिए कि तुम्हें क्यों डर लगता है और किससे डर लगता है? इसके बाद क्या तुम्हें उस डर को समझ नहीं लेना चाहिए, ताकि तुम अपने दिमाग से इन बातों को निकाल दो। इस तरह उस दिन उनका वार्तालाप चलता रहा। तुम भी इन प्रश्नों पर विचार कर सकते हो। मनुष्य उत्सुकता तथा आश्चर्य से भरा हुआ होता है। उसने प्रकृति के विषय में जांच कर सब कुछ जानने का प्रयत्न किया है। उसने बड़े धैर्य से पशु पक्षियों के जीवन के विषय में अध्ययन किया है। उसने अंतरिक्ष की छानबीन की है और तारों, ग्रहों और इस सृष्टि के बारे में सब कुछ जानने का प्रयत्न किया है। वो सागर की गहराइयों में उतरा है और उसने सीपियों, मोतियों, व्हेल मछली, सील तथा सुरू मछली के बारे में बहुत जानकारी प्राप्त की है। उसने सागर तल की दुनिया की सभी बातें जानने का प्रयत्न किया है। उसने मनुष्य की कहानी और संस्कृतियों का अध्ययन किया है। उसने चट्टाने, गुफाएं और जीवाश्म ढूंढ निकाले हैं, उनकी कहानी समझी है। उसने दवा और शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में असाधारण खोज की है। इस तरह उसके मन में बाहर की दुनिया को लेकर बहुत जिज्ञासा है और इस विषय में बहुत ज्ञान प्राप्त किया है। शिक्षक इस कक्षा में छात्रों से अपने अंदर की दुनिया खोजने के लिए कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि विद्यार्थी अपने दिल दिमाग में झांक कर देखें, ताकि वो ये समझ सकें कि कौन सी वस्तु शिक्षा में सहायक है और कौन सी नहीं। शिक्षक उनसे स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली रुकावटों के प्रति सजग रहने के लिए कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि विद्यार्थी अपने अवरोधों, डर, चिंता, रुचि और ध्यान आदि के विषय को अच्छी तरह समझें। क्या तुम इस बात से सहमत हो कि अपने आप के बारे में जानना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाहरी दुनिया का ज्ञान? क्या तुम इस विषय पर अपनी कक्षा में चर्चा करना चाहोगे? इस विषय पर जरा सोचो। एक संवाद। अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम। विषय संयोजन एवं आलेख अहिल्याचारी, अनुवाद राजी रमणन, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, वाचन स्वर
राजश्री त्रिवेदी, शरद तिवारी और मोनिका जैन, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।